3.2 क्या परमाणु अविभाज्य है? इस एटम इंडिविजिबल? एक प्रकार से अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ रसायन शास्त्री सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे और अभिक्रियाओं को समझ रहे थे, लेकिन यह मान्यता ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और भी कई प्रयास किए जा रहे थे जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे थॉमसन और एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान सराहनीय है। यह देखा गया है कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड एक चमकीली किरण निकलती है जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। बाद में इस प्रयोग को कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। सुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट कैथोड तथा एनोड लगाई और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें इन प्लेटों के बीच से गुजरती हैं, तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाते हैं। चित्रानुसार इस तरह यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण ऋणावेशित कण से बनी होती है। आगे जाकर थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अवपरमाणु कण है। इस तरह लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य है को थॉमसन ने चुनौती दी। जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में सन 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला।